ड्रामा सीरियल सुल्तान मोहम्मद फ़ातह के एपिसोड नंबर 9 के ट्रेलर 2 में आप देखेंगे कि सुल्तान मोहम्मद ने जंग पर जाने से पहले अदरना और महल की जिम्मेदारी बाली साहब को दे दी थी। सुल्तान मोहम्मद को भी अंदाज़ा था कि यनीचरी की बगावत यकीनी है, इस वजह से सुल्तान मोहम्मद ने सारे एहतियाती तदाबीर ले ली थी। सुल्तान मोहम्मद के जाते ही बागियों ने बगावत का ऐलान कर दिया और महल की तरफ दौड़ते चले आए हैं। सबसे पहले यनीचरी दरवाज़ों पर मौजूद सिपाहियों को कत्ल कर देती है, इसके बाद वो शहजादे अहमद की तरफ जाते हैं ताकि इसको सुल्तान बना सके। लेकिन जिस कमरे में शहजादे अहमद मौजूद होता है, इस कमरे में शहजादे के साथ बाली साहब भी मौजूद होते हैं। बाली साहब शहजादे को कहते हैं, अजीम ओजान तुम्हें आसमान का सुल्तान बनाएंगे और कोई नहीं बोल सकेगा। बाली साहब शहजादे को कहते हैं कि तारीख ये फरीज़ा हम दोनों को सौंपा है, लेकिन शहजादा जवाब देते हैं, मैं बहुत छोटा हूँ और मेरे मरने के बाद मेरी वालदा बहुत उदास होगी। इसके बाद बागी दरवाजे पर आ जाते हैं और बाली साहब अपने हाथों से शहजादे की जान ले लेते हैं। और उधर सुल्तान मेहमत इब्राहिम साहब को शिकस्त देने के बाद बागियों का सामना करता है। सुल्तान मेहमत कहता है कि यनीचरी को सिक्के नहीं बल्कि मेरी लाश चाहिए। इधर यनीचरी सुल्तान मोहम्मद को कहती है कि तुम्हें हमारी तलवारों के नीचे से गुजरकर पाया तख्त जाना होगा।